तो हेलो दोस्तों, सभी लोग चैनल में स्वागत। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अपने इंस्टाग्राम डिजिटल अकाउंट को कैसे रिक्रिएट करवा सकते हो। दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सारे वीडियो बना रहा हूँ, किसी लिए अकाउंट बैक हो रहा है, किसी को अकाउंट बैक नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ट्रिक लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग जितने सारे मेरे व्यूअर हो सभी लोग अकाउंट बैक हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट देखना, तभी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है किसी अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे आपको उसको चालू करवाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पूरा परसों आपको बताऊँ किस तरीके बताऊँगा, मैं मेरे वीडियो फुलवाज करना, तभी आपको उस पूरा परसों का पता चलने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार ये देखो रेड बटन का बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों क्या करना, यहाँ पर नोटिफिकेशन वैसे ऑल वाले पर क्लिक करके उसको ऑन कर देना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी दोस्तों वो आपके सामने पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले क्या करना, पहले देखो अपने जीमेल अपने दोस्त पर जाना अपने जीमेल पर, ठीक है। तो दोस्तों हम जाते हैं सीधे जीमेल पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका जीमेल आईडी लिंक है अपना फेसबुक में इंस्टाग्राम में, दोस्तों वही जीमेल आईडी से आपको मैसेज करना है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पहले से कि वो ऐसे मैसेज करें, उस वो जो मैंने जो सॉरी जो जीमेल था वो जीमेल वर्क नहीं कर रहा था, जो अब मैं लेके आया हूँ बिल्कुल ऑफिशियल जीमेल है जो सीधे इंस्टाग्राम के बाद पा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस मैं रिसर्च करने वाला ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो क्या करना, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसको तो सॉरी उसको चाहे आप क्लिक करके जा सकते हो या तो फिर उसको आपको कॉपी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिंक हूँ तो उसकी लिंक कॉपी करता हूँ, तो मैं वहाँ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पर, उस आपको वहाँ पर लिखा होगा इन्फो टेक्नीशियन @support.facebook.com दोस्तों ये लिखा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना, इससे आप चाहो तो कॉपी कर लेना उसको, या तो उस पर क्लिक करके आप सीधे जीमेल पे जा सकते हो। दोस्तों यहाँ कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी करना क्या करना दोस्तों, ये आपने जीमेल आईडी पे तो क्या करना, यहाँ देखो आपको कंपोज का ऑप्शन आना, ठीक है, एक कंपोज लिखा है दोस्तों, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों क्या करना, यहाँ पर आपको टू वाला दोस्तों यहाँ पर अपना सीधे पेस्ट कर देना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सबमिट लिखना है, यहाँ पर आप लिखना है माई अकाउंट हैज बीन डिसेबल, क्योंकि माई अकाउंट हैज बीन डिसेबल। सो आपको लिखना है, फिर दोस्तों क्या करना, फिर मेरे जाना है वही डिस्क्रिप्शन में एक और दे दिया हूँ जिसका नाम है, तो सीधे आपको दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है, तो सारा मैं लिख के रख चुका हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। इसको सीधे आपको कॉपी करना है, कॉपी करना क्या है, इसको दोस्तों सीधे वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। कहाँ पेस्ट करना है दोस्तों, ये यहाँ वाले, ठीक है, इसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के फिर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाले अटैच फाइल, ठीक है, ये अटैच फाइल क्लिक करके दोस्तों इसमें एक अटैच फाइल दिख रहा है, इस अटैच फाइल पर क्लिक करना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेना स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है आप चाहे मोबाइल से इसके मतलब फ़ोटो खींच के फिर यहाँ पर आपको अपलोडिंग कर देना है। तो दोस्तों कैसे करना है, दोस्तों देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, तो यहाँ देखो ये स्क्रीनशॉट है मेरा, ये प्रॉब्लम है, देखो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इस तरह। दोस्तों क्या करना है, यहाँ अपना यहाँ पर जो दिख रहा है एरो का निशान दोस्तों, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। देखो तो यहाँ दोस्तों आपको कोई एरर नहीं आएगा, तो मैं आपको लाइव पर दिखाने वाला हूँ कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं सेंड वाला पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखो ये है, ये देखो दोस्तों यहाँ यहाँ दोस्तों बिल्कुल यहाँ बैक हो चुका है, यानी कि ये यहाँ से मैसेज सेंड हो चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है 2 मई यानी 2 मई 2021 5:27 PM अभी दोस्तों देखो यहाँ पर लिख रहा है, तो ये जो मैसेज यहाँ पर सेंड हो चुका है, अब आपको ये सकता है या फिर ऐसा मिलाएगा। देखो यहाँ पर तो ये आपको बोलेगा कि आप कोड आपको भेजना पड़ेगा, किस तरीके से आपको कोड भेजना है मैं भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों आपको कोड इस तरीके से भेजना है, देखो यहाँ दोनों ये तो है आपको दोनों हाथ से पकड़ के दोस्तों यहाँ ऊपर जो है जो अपना इंस्टाग्राम वहाँ पर आपको नेम देना है, फिर आपको यूजर नेम देना है, जो आपको यूजर नेम इंस्टाग्राम में, फिर जो एक कोड आएगा दोस्तों जो आपको मैंने पहले बताया, ये कोड यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा आपको जीमेल आईडी पे, वो कोड बिल्कुल आपको नीचे रखना है, फिर दोस्तों आपको उसी जीमेल आईडी बिल्कुल रिटर्न को सेंड कर देना, ठीक है, रिटर्न कर देना है। फिर दोस्तों आपका अकाउंट 100% ये दोस्तों 24 घंटे से लेकर, दोस्तों मैं आपको नहीं कह सकता हूँ 24 घंटे से लेके आपका अकाउंट मतलब एक मंथ भी ले सकते हैं, आपका अकाउंट एक मंथ भी लग सकते हैं आने के लिए, बस इसके लिए सॉरी एक मंथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो एक मंथ भी लग जाते हैं दोस्तों, आपका अकाउंट भी बैक हो जाएगा इस तरीके, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको अकाउंट बैक करवाना है तो 100% दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल 100% वर्किंग है, आप एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों, आपका अकाउंट बैक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करेगा प्रेस करते हैं दोस्तों।
आपको तो हमसे इंटरेस्ट और फ्रेश वीडियो के साथ लेके आते हैं। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक बाय बाय।